ये देखिए अभी हम लोग हैं सुल्तानगंज देवघर कांवरिया पथ पे, आप देख सकते हैं इधर आपका कांवरिया पथ रहा और यहाँ पे कुछ बम लोग जो है आज यहाँ पे कांवर लेकर के बड़ा सा और आए हैं। अभी बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं, आइए जानते हैं ये लोग कहाँ से हैं और क्या नाम हुआ और कितना वजन जो है कांवर है और क्या कुछ इन लोग का जो है मन्नत है। बम जी हर हर महादेव। कहाँ से आप लोग? वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद जिया से। अच्छा, अभी जो है यात्रा कर रहे हैं तो सावन से पहले आप लोग जो है काफी बड़ा कांवर, काफी वजन कांवर लेकर के आ गए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बाबा चाहिए तो लेकर आया हम लोग। क्या कुछ मनोकामना है बाबा? नहीं नहीं, तो सबका भला रहेगा। अच्छा, तो अभी इतना वजन लेकर के कांवर आप लोग चल रहे, कितने टीम में जो है लोग हैं आप? हम लोग 40 आदमी। 40 आदमी? हाँ। सब लोग आगे पीछे हैं? नहीं, सब पीछे पड़ रहा है 20 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ जो है पहुँच के कितना दिन पहले जो है कांवर लेकर के जल भर कर निकले थे हम लोग? मंगलवार शाम को। अच्छा, तो जो है कितना वजन बोले होगा कांवर का? 45-50। अच्छा, तो जो है पूरा टीम आप लोग हर एक चलाते हैं? हाँ चला। अच्छा, आज 13-12 साल। 13-12 साल हो गया। अच्छा, सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा करने के बाद और कहीं जाने का अभी है क्या? नहीं, नहीं, अभी नहीं नहीं। हाँ, तारकेश्वर जाएगा सावन में। अच्छा, सावन में आप लोग यात्रा नहीं करते? हाँ, इस पद पे नहीं, सावन में नहीं, इस महीने में ही करते हैं। सावन में आएगा, सावन सावन से पहले ही करते हैं, पहले महीने से करते हैं। भीड़ कम रहता तो आराम से आप लोग चल पाते। हाँ हाँ, इसलिए पहले ही बाबा का मंदिर से जल चढ़ाना पड़ेगा, स्पर्श पूजा भी होता है। ये देखिए इधर कांवर रहा बोलबम, और ये देख सकते हैं किस प्रकार कांवर को सजाया गया है, और यहाँ पे देखिए माँ काली का जो है एक फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, और ये देखिए कांवर कुछ ऐसा है इसका, और आप देख सकते हैं पूरा जो है इधर घुंघुर लगाया गया है और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइट का भी जो है क्योंकि लाइट भी लगाया गया है, और ये देख सकते हैं किस प्रकार कांवर लेकर के जो है सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा करें। तो ये जो है आप लोग को अद्भुत दृश्य सावन में देखने को मिलता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं सावन से पहले जो है कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा है, ये देखिए आप लोग। और आज आप लोग को सावन मेला को लेकर के कांवरिया पथ का क्या अपडेट है वो आपको दिखाने वाले, देख सकते हैं। ये है आपका आध्यात्मिक भवन के सामने घोरमारा गाँव का जो है अपडेट मैं आपको अभी दे रहा हूँ। ये लोकेशन आपका घोरमारा का है, और यहाँ से आज की इस वीडियो को प्रारंभ करें, देख सकते हैं इधर आपका बालू वगैरह जो डाला जा रहा था वो यहाँ पर स्टॉक है, और यहाँ पे देखिए दुकान तैयार यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दुकान वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे। और इस बार सावन मेला में जो है काफ़ी आपको यहाँ पे जो है दुकान वगैरह दिखेगा, साथ ही कांवरिया पथ पे बहुत ही बदलाव यहाँ पे हुआ। पिछले बार जो है काफ़ी दिक्कत हो रहा था हम लोग को चलने में, लेकिन आज इस बार जो है बहुत ही अच्छा, यहाँ पर एकदम कीचड़ भी नहीं होगा पूरा, एकदम जो है बड़ा बड़ा जो है यहाँ पे आपका गिट्टी जैसा है और जो है बालू वगैरह यहाँ पे डाला जा रहा है, उसके बाद जो है पूरा रोलर चलाने के बाद और जाके उसमें बालू डाला जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत। इधर जो है साइड साइड में जो है मिट्टी वगैरह लगाया जा रहा है ताकि जो है बालू पे जो डाला जाएगा वो जो है बहे ना, और ये देख सकते हैं इस तरह का तैयारी जो है सावन मेला में आपको यहाँ पे झारखंड में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार तैयारी हो रहा है अभी इससे मजबूत करने का, और ढाबा घाट के पास सभी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा तो इधर भी देखिए कांवरिया पथ का जो काम है वो हो चुका है, यहाँ पे काफ़ी कीचड़ हो रहा था लेकिन अभी जो है काफ़ी इसको सही किया जा रहा है, यानी कि इस गिट्टी को और जो है यहाँ पे जो है मसाला वगैरह बालू वगैरह जो भी रहता है मिट्टी वगैरह डाल करके और कहीं ना कहीं इसको जो है प्लान करने के बाद इस पर जो है बालू वगैरह डाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं दोनों साइड में जो है प्राइवेट दुकान वगैरह जो है काफ़ी लग रहा है इस बार, और शौचालय वगैरह उन लोग भी जो है प्रोवाइड बहुत ही अच्छा करते हैं। और आपको बता दें अभी कलकत्ता धर्मशाला हम लोग अभी विजिट करने वाले हैं, जो कि आपको सावन मेला का बहुत ही अच्छा यहाँ पे तैयारी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे भी आप जो है निःशुल्क ठहर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बाहर से, और यहाँ का भी जो है पूरा तैयारी होने के बाद आपको जो है कलकत्ता का आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। इस मोड़ के जस्ट आगे में है, और यहाँ पर भी जो है काफ़ी कीचड़ हो रहा था पिछले बार, और अभी देखिए अच्छा एकदम यहाँ पे किया जा रहा है। और ये देखिए इधर प्राइवेट दुकान लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, तो हर जगह पे तैयारी आपका बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप लोग बड़ा सा धर्मशाला जो कि आपका कलकतिया का, और अंदर में जो है काम वगैरह हो रहा है आपका, ये देख सकते हैं राइट साइड में आप लोग अभी भी तैयारी हो रहा है। देखिए ऊपर में जो है वर्कर लोग मजदूर लोग लगे हुए हैं और लगातार जो है बाँस वगैरह का स्ट्रक्चर जो है वो बांधने का काम हो रहा है, और ये उनका मेन गेट है यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से लोग बम लोग जो है अंदर प्रवेश करते हैं। और इधर का कांवरिया पथ बीच बीच में जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ हो रहा था वहाँ पे जो है गिट्टी वगैरह डाल करके और मिट्टी वगैरह जो है प्लान करके उसके बाद उसके ऊपर जो है बालू वगैरह डालने का जो है काम होता है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये है बोकारो इस्पात धर्मशाला के पास, यहाँ पर जो है आपका तैयारी हो रहा है सावन मेला का, ये सामने रहा बोकारो इस्पात धर्मशाला।
और ये देख सकते हैं बालू वगैरह कुछ ऐसा यहाँ पे डाला जा रहा है। पहले जो है इस प्रकार गिट्टी और बालू को जो है डाला जा रहा है, उसके ऊपर जो है बालू डालने का काम होगा। और ये देखिए रोलर से जो है अभी प्लान होगा, ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे जो है ख़राब है कांवरिया पथ, वहाँ पे इस प्रकार जो है सही किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग पूरा यहाँ पे वर्कर लोग मजदूर लोग लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ लोग लगे हुए हैं अभी काम कर रहे हैं। और इस जगह पे साफ़ सफाई जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे किया जा रहा है। सावन का तैयारी जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों पर यहाँ पर हो रहे हैं, देख सकते हैं गजब का यहाँ पर तैयारी हो रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग कितना जो है यहाँ पर साफ़ सफाई हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये आप देख सकते हैं ठंडनिया धर्मशाला, ये आपका नवाडे में स्थित है। और ये देखिए इधर भी कुछ बम लोग जो है अभी कांवर लेकर के बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं, बोल बम देख सकते हैं आप लोग। और बहुत जगह पे झारखंड में आपने देखा कि जो है निःशुल्क सेवा धर्मशाला हो शिविर हो जो है लग रहा है, और धर्मशाला तो यहाँ पे परमानेंटली 3-4 धर्मशाला है जहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं झारखंड में। और इधर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी जो है रास्ते में जो तैयारी है कांवरिया पथ का वो हो रहा है। तो झारखंड का इस बार बहुत कुछ बदलाव आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं बालू वगैरह इधर डाला गया अभी और बहुत ही अच्छा हो चुका है। इसके ऊपर हो सकता है कि अब जो है बालू डालने का काम होगा शायद, क्योंकि पहले जो है इसको पूरा एकदम रोलर से एकदम बहुत ही मजबूत किया गया। और यहाँ पे एक शिविर लग रहा है आपका, जो कि झारखंड में न्यू शिविर का निर्माण हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए झारखंड में आपका गेट भी यहाँ पे लगने लगा है, ये देख सकते हैं आप लोग जगह जगह पे जो है जो वेलकम का यहाँ पे गेट लगा हुआ रहता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अभी से तैयारी। और इधर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा बालू वगैरह डालने के बाद इधर एकदम प्लान हो चुका है। तो ऐसा दोस्तों आपको हर जगह पे जो है कांवरिया पथ पे दिख रहा देख सकते हैं, काफ़ी कीचड़ हो जा रहा था लेकिन अब जो है एकदम सही रहेगा कांवरिया पथ। तो ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हैं झारखंड में आपका, बिहार में इस तरह का आपका नहीं हुआ है लेकिन झारखंड में इस बार नेक्स्ट लेवल का तैयारी हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ पे लगातार आपको रास्ते में जो है बालू बिछाने का जो काम है वो आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं इधर जो है ये देखिए इस पर जो है हम लोग चल रहे हैं, बालू वगैरह यहाँ पर बिछाया जा रहा है। ये देखिए आप लोग झारखंड का, तो भाई बहुत ही अच्छा है यहाँ का तैयारी, ये आप लोग देख सकते हैं झारखंड का तैयारी आपको हम दिखा रहे हैं जो कि रास्ते में बालू वगैरह डाला जा रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिछले दिन यहीं से काम जो है प्रारंभ हुआ था लेकिन अब जो है बहुत जगह पे होने लगा है, देख सकते हैं इधर भी कुछ दुकान का तैयारी हो रहा है, देख सकते हैं बड़ा बड़ा एंगल वगैरह यहाँ पर लाया गया है। और ये देखिए एक बम इधर आ गया है जो कि अभी सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कर रहे हैं, जो कि ये लोग शायद सोमवारी बम है या फिर महीनवारी बम है जो है रास्ते में आपको इस तरह मिलता रहेगा। और इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो है परमानेंटली दुकान जो है बहुत ही बड़ा लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं अभी। और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग लगा दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं ये है आपका बड़ा सा दुकान जो कि यहाँ पे चौकी वगैरह सारा लगा हुआ रहता है, और प्राइवेट दुकान काफ़ी बड़ा बड़ा आपका लग गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर सरकारी शौचालय का जो है निर्माण इधर जो हुआ था पिछले साल वो जो है एकदम मरम्मत हो रहा है। और ये देख सकते हैं इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी दुकान वगैरह जो है लग चुका है, देख सकते हैं पूरा जो है इनका जो है एकदम कंप्लीट होने जा रहा है। और ये देखिए आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक टिकट काउंटर है वो जो है उसकी तैयारी अभी किस प्रकार हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे अभी जो है तैयारी वही है, बस स्ट्रक्चर ही आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। और इधर से अभी हम लोग जाते हैं देखते हैं, ये देखिए इधर से वाहन वगैरह जाता है। और अभी छारने का ऊपर का जो काम है वो नहीं हुआ है, देखिए कब तक होता है क्योंकि सावन का बहुत ही अच्छा यहाँ पे तैयारी होता है। और इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर पूरा कांवरिया पथ प्लान हो चुका है। यहाँ पे देखिए धन्यवाद पुनः पधारे इस प्रकार का गेट यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए शौचालय वगैरह इधर स्नान घर वगैरह जो है यहाँ पर बन रहा है, तो ये देखिए एक बम भी इधर मिल गया है, यहाँ पर भी सूचना केंद्र लगता है। और ये देख सकते हैं आप लोग इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये झारखंड का गेट आपको दिख रहा होगा, और ये बालू वगैरह जो है रास्ते में डालने के लिए साइड में लगाने के लिए जो है इस प्रकार बोरी में डाला गया है। और ये देखिए आप लोग ये झारखंड का बॉर्डर रहा, और यहाँ से अभी हम लोग बिहार विजिट करेंगे। उससे पहले आपको बता दें ये झारखंड का तैयारी है, देख सकते हैं जो है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का, और ये बिहार विजिट करते हैं अभी हम लोग। तो चलिए इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं, और कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताइएगा। और ये बिहार का तैयारी आप देख सकते हैं इधर कांवरिया पथ के किनारे। चलिए धन्यवाद, हर हर महादेव, जय शिव जय भोले बाबा।